इकबाल आपका कैसा रहा आज का ये यहाँ पे आपका अनाउंस? बहुत अच्छा। साइलेंस, यहाँ बैठ के बात बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और अवार्ड भी मिला तो जी थैंक यू, तो बहुत अच्छा लगा। किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला बताएं हमें? द अवार्ड वाज कॉल्ड द फेस टू वॉच आउट फॉर, सो अब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है मुझ पर। जी जी, बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके शोज़ की, वहाँ पे और यहाँ पे आपकी फिल्म आ रही है रईस। जी, आप भी लगती भी रईस। मैं मुझे नहीं पता मैं लगती रही हूँ, मगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, मैं ये मान लेती हूँ कि ये अच्छी बात है। बिल्कुल, सपना भी पूरा हुआ है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन इस सबसे ज़्यादा नर्वस भी हूँ। ऐसा लगता है कि प्रेशर है कि कुछ करके दिखाना है, तो देयर इज नर्वसनेस। एक यादगार मोमेंट अगर शाहरुख खान के साथ हम शूटिंग के दौरान की तो क्या होगा? आई थिंक पहला सीन, मेरा पहला सीन ही उनके साथ था और मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा और मैं आराम से अपने डायलॉग, और जब वो सामने आए तो मैं सब कुछ भूल, सारे डायलॉग भूल, तो वो हमेशा याद रहा। I am, because it's been, you know, we've been shooting it since last year, so I'm anxious, I'm impatient, I get nervous, I'm constantly fluctuating between all the emotions, but I hope that it goes well. नहीं, बट आई थिंक ये एक कॉल है जो प्रोड्यूसर्स लेते हैं, तो आई जस्ट होप कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ओके, कमिंग बैक टू ब्यूटी, वेल आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, आई यूज़ अ गुड बेसिक मॉइस्चराइजर, ओके सो आई यूज़ अ गुड बेसिक मॉइस्चराइजर एंड बट रेस्ट आई एम नॉट टू फसी, आई एम नॉट वेरी फसी विथ माई ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ओ आई यूज़ दिस और दैट, इट्स जस्ट बेसिक। एक बहुत अच्छी ब्यूटी टिप दूँ, इफ यू कैन गेट आमंड ऑयल इट्स द बेस्ट थिंग फॉर स्किन, यू कैन वाइप योर मेकअप विथ इट, यू कैन पुट इट ऑन एंड जस्ट यूज इट एज अ फेस ऑयल, इट्स द बेस्ट थिंग, अदरवाइज ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स। आई वुड से बिल्कुल बिल्कुल होती, जी 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 जी, आई थिंक दैट वी आर ऑल, मुझे लगता है कि जो हम पीपल लाइक मी एंड अदर एक्टर्स आर्टिस्ट इन जनरल इन पाकिस्तान, वी आर ट्राइंग एंड वी हैव बीन फॉर इयर्स रिप्रेजेंटिंग दैट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यू नो, एंड आई होप दैट आई कैन डू अ गुड जॉब विथ इट, बिकॉज आई थिंक आर्टिस्ट, मुझे पहली बात तो ये है कि सारे मुल्कों में आर्टिस्ट होते हैं और वो मुल्क सबसे ज़्यादा फ्लरिश करते हैं जहाँ आर्टिस्ट को इज्जत दी जाती है, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव आर्टिस्ट रिस्पेक्ट। आपने वहाँ पे कई सीरियल्स में काम किया है, अगर आप यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी सीरियल्स में काम करना चाहेंगे? मैंने यहाँ सीरियल्स नहीं देखे हैं, मैंने यहाँ के सीरियल्स नहीं देखे हैं, लेकिन फिल्में बहुत देखी हैं, लेकिन सीरियल्स पता नहीं क्यों, या वहाँ इंडियन फिल्में बहुत देखी जाती हैं, लेकिन सीरियल्स भी देखे जाते हैं, लेकिन मैंने लास्ट वो क्योंकि सास भी कभी वो देखा था, वो लास्ट कैसा लगा था आपको? वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं छोटी थी लेकिन मैं भी बहुत मज़े का लगता था। आप सास बनना चाहूँगी? मैं पता नहीं ये किस तरह का सवाल है, ऐसी सवाल है, सास बहू या बेटी सभी तो बनना पड़ेगा। वहाँ के सीरियल्स काफी मकबूल है यहाँ पर इंडिया में, उस पे क्या कहेंगी? आपके सीरियल्स यहाँ भी देखे जाते हैं? जी जी, काफी मकबूल है यहाँ पर पाकिस्तानी सीरियल्स। जी हैं, बहुत, और यहाँ के भी वहाँ पे काफी लोग देखते, जी 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 बहुत देखते हैं, इनफैक्ट मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे लोग जो लोग पहचानते हैं वो सीरियल्स ही से पहचानते हैं, मुझे रईस भी सीरियल ही की वजह से मिली। आपने
टी वी की वजह से आपको दिल नहीं चाह रहा था पूछने ओके आई एम वेयरिंग मुनीषा जैसी एंड या एंड इट्स जस्ट आई फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल इन इट कि पहन लिया और वेयर I've done, yeah, I've done it. You yeah, want me to do it here? Yeah. Okay. I was asking you. You don't like know about the movement of women and empowerment of women in your country. Yes. There are lots of incidents happening yes. and you must be knowing yes. about it. Yes, yes. Yeah, if you're uncomfortable, any questions? Okay. 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 If you're uncomfortable, you're going to raise your promotion. Yes. You're going to tell me. उनको कंफर्ट करना हमारे गेस्ट है आप उनको कंफर्ट नहीं है बताइए कुछ जो भी अच्छा मैंने पहले मैंने जैसे आपको पहले कहा मैं यहाँ हूँ और मैं एक औरत हूँ जो अपने बलबूते पे यहाँ हूँ तो आपको पता होना चाहिए किसी को भी कि मैं किस तरह की औरत या मर्द में बिलीव करती हूँ मैं उस तरह की औरत में बिलीव करती हूँ जो जो चॉइस वो करना चाहती है वो करे और उस तरह के मर्द में जो चॉइस एक औरत ले उसको सपोर्ट करे सो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ वूमन आई बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ अ वूमन आई थिंक इस तरह के अब्यूज़ या जो चीज़ें होती हैं ये आजकल अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में हो रही है और इम्पोर्टेंट ये है कि मैं और आप हम जिस तरह के लोग हैं जिनकी एक आवाज़ है उनको ज़रूर इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास आवाज़ है उनके पास नहीं है सो पीपल लाइक अस शुड रेज आवर वॉइसेस एंड वी डू दैट सो दैट्स फाइनल क्वेश्चन के सवाल आपने सुना है कि फवाद के साथ आप अभी सीरियल में नजर आने वाली हैं फवाद के साथ नहीं फवाद के साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान लोग चाहते हैं कि हम एक साथ आएँ जल्दी आएँ बहुत पर आई थिंक अभी वो भी बहुत बिजी हैं मैंने भी एक फिल्म साइन की है सो इट्स गोइंग टू बी टफ लेकिन इंशाल्लाह I'm here.